आप सब देख सकते हैं कि हम यहाँ पर गोलगप्पा बना रहे हैं। किनको किनको खाना है तो आ सकते हैं खाने के लिए। और देखिए, और ये इधर रोटी बन रहा है, ये यहाँ पर हमारी दीदी बना रही है रोटी, और यहाँ पर हम लाल लाल गोलगप्पा बना रहे हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पर है काजू केतली। किनको किनको खाना है? और सो फाइनली फ्रेंड, आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पर हम यहाँ पर पानी पूरी बना कर छान कर, और देखिए हम यहाँ पर आलू को फ्राई कर रहे हैं, यानी चोखा बना रहे हैं खाने के लिए। और यहाँ पर दीदी का रोटी बन गया है, यहाँ पर बना के चली गई है, देखिए। और ये रहा मुरई का सलाद, और ये रहा दूध, और ये हाँ ढेर। आप सब देख सकते हैं कि हमारा पे यहाँ पर गोलगप्पा तैयार हो गया। किनको किनको खाना है तो प्लीज आप लोग आए और अपना मन को एकदम रंगा चटपट और शानदार कर लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर है, वाह, जा रहे हैं आप सबको खिला रहे, ठीक है, चल रहे हैं खिलाने। आप सब देख सकते हैं कि हमारा पे यहाँ पर गोलगप्पा तैयार हो गया। किनको किनको खाना है तो प्लीज आप लोग आए और अपने मन को एकदम रंगा चटपट और शानदार कर लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर है, वाह, जा रहे हैं आप सबको खिला रहे, ठीक है, चल रहे हैं खिलाने। कोई बैठा है क्या? फाइनली मेरे को यहाँ पर सीट मिल गया है और हम यहाँ पर बैठ चुके हैं, ठीक है। और हमारा गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी तो हम अपने घर पहुँच जाएंगे। फ्रेंड्स, आप सब देख सकते हैं कि हम यहाँ पर बना रहे हैं कढ़ी, और कढ़ी का पकौड़ा, और यहाँ पर दूध मेरा उबल रहा है, और इसको हम थोड़ा सा कम कर देते हैं। और ये मेरा है, अब इसको हम चलते हैं, थोड़ा थोड़ा मैं चला लेते हैं इसको। और उसके बाद सबको हम पकोड़े बना लेंगे, और उसके बाद जो बचेगा उसको घोल कर डाल देंगे, कड़ी हो जाएगा, देखिए। और इसमें मेरा दाल हो गया है, और ये मेरा रहा चाय वाला तसली, अब इसको धोना है। और इसमें है दूध, इसमें रोटी, ये कड़ी बना रहा हूँ, और सब्जी अभी तैयार हो रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा ऑलरेडी कढ़ी तैयार हो गया है, और हम यहाँ पर कढ़ी को अब बना रहे हैं, ठीक है। देखिए पकौड़ा कढ़ी कितना शानदार बना है, जिनको जिनको खाना है वो आ जाइए। सकते हैं कि हमारी ट्रेन अब आ ही गई है, और हम बहुत लेट हो गए हैं, और जल्दी जल्दी हम झटके में जा रहे हैं ट्रेन को पकड़ने। और पता है क्या, खाना खाने में लेट हो गया, और चले गए थे चरी लाने खेत पर, ठीक है, तो इस वजह से। तो फटाफट चलते हैं, इतना गर्मी है, इतना गर्मी है कि मत पूछे, हवा भी नहीं चल रहा है। इस समय 2-3 दिन से गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है ना।